वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक प्रयागराज का पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूं, वहां पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों ये है हमारा प्रयागराज का पार्ट टू, प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको इलाहाबाद के 10 टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलेंगे। इलाहाबाद में संगम तट पर आपको अकबर का किला देखने को मिलेगा। मध्यकालीन इतिहासकार बदायूनी के अनुसार 1574 में सम्राट अकबर ने प्रयाग की यात्रा की और एक शाही शहर इलाहाबाद की स्थापना की। 1583 में अकबर ने प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर एक किले का निर्माण प्रारंभ करवाया। यह किला 4 भागों में बनाया गया। पहले हिस्सों में 12 भवन एवं कई बगीचे बनवाए गए। दूसरे हिस्सों में बेगमों और शहजादियों के लिए महलों का निर्माण करवाया गया। तीसरे हिस्सों में शाही परिवारों के दूर के रिश्तेदारों और नौकरों के लिए और चौथा हिस्सा सैनिकों के लिए बनवाया गया। इस किले में 93 महल, 3 झरोखे, 25 दरवाजे, 277 इमारतें, 176 कोठियाँ, 77 तहखाने, 20 अस्तबल और 5 कुएँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस किले के अंदर ही एक अक्षयवट मंदिर बना हुआ है। इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं इलाहाबाद में बना ऐतिहासिक स्वराज भवन। स्वराज भवन प्रयागराज में स्थित एक ऐतिहासिक भवन एवं संग्रहालय है। इसका मूल नाम आनंद भवन है। इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था 1930 में। उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। इसके बाद यह कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय बनाया गया। भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म यहीं हुआ था। आज इसे संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम आपको लेके चल रहे हैं खुसरो बाग, जो कि इलाहाबाद शहर में बना हुआ है। इलाहाबाद शहर के पश्चिमी छोर इलाहाबाद जंक्शन के पास में स्थित खुसरो बाग है। मुगल कालीन इतिहास की एक अमित धरोहर है। यह 17 बीघे के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह चारों मोटे मोटे दीवारों से घिरा है। जहांगीर ने इसे अपना आराम घर बनवाया था। इसके बाद हम आपको लेके चले हैं ऑल सेंट कैथेड्रल। शहर के सिविल लाइन में स्थित यह चर्च गिरजाघर के नाम से प्रसिद्ध है। इस चर्च को देखने से प्रतीत होता है कि मानो हम किसी रोमन साम्राज्य का राजगृह देख रहे हैं। 1889 में बनकर तैयार हुआ इस चर्च का नक्शा सुप्रसिद्ध अंग्रेजी वास्तुविद विलियम इमर्सन ने बनाया था। इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं इलाहाबाद संग्रहालय। कंपनी बाग के अंदर सन 1931 में एक संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। इस संग्रहालय में भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित अनेक वस्तुएं रखी हुई हैं। इन वस्तुओं में कसौम्बी के अनेक अवशेष संग्रहित हैं। इसके बाद में हम आपको लेके चल रहे हैं जवाहर प्लैनेटेरियम। आनंद भवन के बगल में स्थित इस प्लैनेटेरियम में खगोलीय और वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने के लिए जाया जा सकता है। और प्लैनेटेरियम 3D में है, जहाँ पर आपको साइंस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। इलाहाबाद शहर के अंदर काफ़ी अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद शहर के अंदर आपको बहुत से पार्क देखने को मिलेंगे, जिनमें से विक्टोरिया मेमोरियल पार्क, मिंटो पार्क, नेहरू पार्क, भारद्वाज पार्क, हाथी पार्क, पीडी टंडन पार्क। इनमें से एक है कंपनी बाग। अंग्रेजों द्वारा शहर के बीचों बीच में बसाया गया यह एक अनोखा पार्क है। शायद यह किसी शहर के बीचों बीच इतना बड़ा पार्क आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं प्रयागराज शहर में बना खूबसूरत भारद्वाज पार्क, जो कि बाहर से ही बहुत खूबसूरत है। गेट के बगल में ही आपको भारद्वाज जी की विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही बड़े आकार में बनी हुई है। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है प्रयागराज शहर के अंदर। यहाँ पे जाने के लिए आपको सिर्फ 10 रुपये का एक टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेके आप अंदर जाकर घूम सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये है यमुना नदी और यमुना नदी पे बना हुआ खूबसूरत यमुना ब्रिज। अगर आप कभी प्रयागराज आते हैं घूमने तो यमुना ब्रिज पे आप जरूर आएं, और चाहें तो आप ऑटो या ई रिक्शा से आप इस पार से उस पार भी पुल से जा सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम आपको लेके चल रहे हैं संगम नगरी, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का खूबसूरत मिलन होता है। आपको बता दें कि यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग है। अगर आप कभी प्रयागराज आते हैं तो संगम में ज़रूर स्नान करें, जहाँ पर तीनों नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर नाव का भी मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों ये जो जगह दिख रही है, यहीं पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है। और आपको बता दें कि जो लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहते हैं उनको नाव से यहाँ पे आना पड़ता है। देखिए सब लोग आ रहे हैं और ये है गंगा, यमुना, सरस्वती का जल। और सामने से आगरा, दिल्ली होते हुए यमुना जी का प्रयागराज में आगमन हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।